और इसमें पिक्चर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हो सकता है आपको स्पष्ट ना दिख रहा होगा, फिर भी पिक्चर कुछ फटी फटी सी आ रही है, पिक्चर ब्लैकिश आ रही है। इसमें हम देखेंगे कि किस वजह से आता है सेट खुलने के बाद, और इसका पूरा सॉल्यूशन हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। ये सेट मैंने खोल लिया है, खोलने के बाद इसके सारे जो वोल्टेजेस हैं, जो मैंने आपको पहले PPTs वगैरह में बताया था, पावर सप्लाई जो जो वोल्टेजेस बनाते हैं, जैसा VS, VA और जितने भी वोल्टेजेस हैं, सारे वोल्टेजेस मैंने चेक कर लिए हैं और सारे वोल्टेजेस पावर सप्लाई ठीक ठाक बना रही है। अब ये जो प्रॉब्लम है, ये है हमारे वाई बोर्ड का प्रॉब्लम है। वाई बोर्ड कौन सा है, क्या है, कैसे, ये सारे मैंने आपको वीडियोज़ में बता दिए हैं ऑलरेडी, तो बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा। ये आप देख पा रहे हैं, ये वाई बोर्ड का प्रॉब्लम है। अब वाई बोर्ड मैं खोल लेता हूँ और खोलने के बाद हम इसको कूल टेस्ट करते हैं और फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। तो हमने वाई बोर्ड को अच्छी तरह से एनालाइज़ किया तो हमको मिला यहाँ पर जो IGBTs थे, वो IGBT ख़राब थे, तो मैंने चेंज कर दिया। और कुछ रेजिस्टेंस वगैरह यहाँ पे ख़राब थे जो मैंने कूल टेस्ट पे पाया, और ये सारे चीज़ मैंने चेंज कर दिए। चेंज करने के बाद आपको स्क्रीन दिखाता हूँ मैं कि हमारा जो पिक्चर है वो 100% ओके हो चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पिक्चर ये 100% हमारा ठीक हो चुका है। तो इसके बारे में और आपको डिटेल में सीखना है या जानना है तो आप हमारे प्रीमियम के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सारी डिटेल्स में आपको जानकारियां मिलेंगी कि अगर हमारे पास कोई IGBTs वगैरह नहीं मिलते हैं तो उसको कैसे, उसका सब्स्टिट्यूट यूज़ करना है और कैसे फॉल्ट खोजना है, और इसकी जो पूरी जो लॉजिक्स हैं, पूरे थ्योरी है, ये मैंने आपको क्रम वाइज उसमें बताया है। तो हमारे वीडियो को अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।